नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय मौजूद है अलवर की कृषि उपज मंडी में। मंडी के अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया जी हमारे साथ में मौजूद है। उनसे आज हम गेहूं के बारे में जानकारी जुटाएंगे कि मंडी में गेहूं की कितनी आवक हो रही है और क्या भाव गेहूं के चल रहे हैं। सबसे पहले आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। आज गेहूं की कितनी आवक है मंडी में और क्या भाव है? अलवर कृषि उपज मंडी में आज 15 से 20 हजार कट्टे की आमद है और 2270 रुपये के मील क्वालिटी के भाव हैं। ऊपर में बढ़िया क्वालिटी के भाव यहाँ 2350 से 2400 रुपये तक भी है। किसान 2400 रुपया समर्थन मूल्य के भाव होने के बावजूद भी मंडी में 2270 रुपये का गेहूँ बेच रहा है। इससे ये लगता है कि किसान मंडियों में माल बेचकर खुश है और कृषि व्यवस्था जो केंद्र सरकार द्वारा खरीदी जाने की जो व्यवस्था है उससे ना खुश है, इसलिए 2400 में न जाकर वो 2270, 2300, 2350 रुपए में मंडियों में बेच रहा है। ऊपर के भाव को देखते हैं तो क्या लगता है आपको ऊपर के भाव? वर्तमान में गेहूं के भाव जो आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, नीचे घटने की गुंजाइश नहीं है। आगे आगामी दिनों में गेहूं के भाव दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे। अभी मोटे अनाज को लेकर सरकार का खासा असर भी देखने को मिल रहा है, तो कितना असर आप गेहूं की कीमतों पर देखते? सरकार ये चाहती है कि कृषि जिनसों में मोटे अनाज के पैसा किसान को अच्छा मिले, ऊंचा मिले, तो उसके लिए सरकार बीज चाहने के बावजूद भी नीचे घटने का काम जो सोच रहे हैं, अपन नीचे नहीं घटेगा और मोटे सारे अनाज दिन पे दिन तेज हो। इस साल देश में उत्पादन को क्या देखते हैं और सरकार के जरिए निर्यात को क्या देखते हैं? गेहूं का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले उतना ही है, लेकिन केंद्रीय पुल जो स्टॉक में जो कमी आई है उससे ऐसा लगता है कि निर्यात सरकार हो सकता नहीं करे। तो अभी आगामी जो है मतलब कि मंडी में क्वालिटी कैसी है? वर्तमान में अच्छी क्वालिटी आ रही है और मैं समझता हूँ कि भविष्य में भी गेहूं के भाव ऊंचे रहेंगे। तो आसपास के क्षेत्रों से ही आता है गेहूं लगभग? गेहूं क्योंकि किसानी माल आता है और किसानी ओड पास के क्षेत्र वाले ही आता है, क्योंकि दूर से आने में उनका भाड़ा ज्यादा लगता है, वो अपने वहीं तोल देते हैं, इसलिए अलवर के आसपास के क्षेत्रों में किसान जो हमसे जुड़ा हुआ है वो मंडियों में ला रहा है। तो लगभग कितना उत्पादन मानते हैं इस साल? आंकड़ा और टन तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पिछले साल जितना गत वर्ष के मुकाबले उत्पादन कोई में कोई कमी नहीं। तो अभी जो भाव है कुछ तेजी भी आने की उम्मीद नजर आ रही है? अभी एक साथ गेहूं के भाव नहीं बढ़ेंगे, सने सने थोड़ा थोड़ा सा गेहूं के भाव बढ़ते हुए रहेंगे। 3000 पार भी कर नहीं, ऐसा मुझे उम्मीद नहीं करती। 2700-2800 पर ये भाव इस वर्ष रहने से। जो ग्रेड वाले जो गेहूं है उनके जो ग्रेडिंग के भाव, जैसे अपने यहाँ पर वर्तमान में 2300 के भाव अपन माने, तो ग्रेडिंग वाले गेहूं के भाव खुदरा उपभोक्ता को 2700-2800 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें खर्चा भी आता है, उसका हल्का माल भी नीचे निकलता है, तो वो 2700-2800 रुपए में ग्रेडिंग का गेहूँ उपभोक्ता को उपलब्ध। अभी सरकारी खरीद भी चालू है फिलहाल, तो सरकारी खरीद को लेकर और एमएसपी को लेकर क्या करें? सरकारी मैं समझता हूँ कि जो सरकार को जिन किसानों को तोलना है वो तोलेंगे, और वर्तमान में जो अपन समाचार पत्रों के माध्यम से हरियाणा पंजाब में बहुत अच्छा गेहूं सरकार को मिला है, उसके हिसाब से सरकार का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। ये हमारे साथ में मौजूद थे मंडी के अध्यक्ष हैं सुरेश जलालपुरिया जी। उन्होंने हमारे को गेहूं के बारे में पूरी चर्चा से बताया कि आगामी जो है अभी गेहूं की जो आवक मंडी में हो रही है, लेकिन आगे के जो भाव हैं किस तरह बढ़ेंगे या घटेंगे उसको लेकर आगे लगातार मार्केट टाइम टीवी की टीम लगातार अपने दर्शकों को जानकारी देती रहेगी। नितिन शर्मा, अलवर।